आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। चंदौली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जहां पर बड़ा हादसा हुआ है। चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र के प्रभुपुर गांव में शनिवार को दोपहर में संदीप यादव द्वारा अपने नींव की ईंट निकलवाए जा रही थी और इसी दौरान पड़ोसी चंद्रमान द्विवेदी की ईंट की पक्की दीवार काम कर रहे चार मजदूरों के ऊपर गिर गई, जिसमें चार मजदूर दब गए हैं। घटना के बाद पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई और लोग मौके पर पहुंचे। बलुआ थाना अध्यक्ष को भी सूचित किया गया, मजदूरों को निकालने की कोशिश में जुटे हैं लेकिन पक्की दीवार होने के कारण किसी की भी कोई जुगत काम नहीं कर पाई है और बलुआ थाना पुलिस और ग्रामीण मजदूरों को निकालने में लगे हुए हैं। किसी तरह से दो मजदूरों को अभी तक निकाला गया है, दोनों मृत पाए गए और अभी भी दो मजदूर दबे हुए हैं जिनको निकालने के लिए ग्रामीण और पुलिस द्वारा कोशिश की जा रही है। मजदूरों की मौत के बाद परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। मौके पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स और ग्रामीणों की भीड़ जुटी हुई है। तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं चंदौली की, जहां पर बड़ा हादसा हुआ है, दो मजदूरों की मौत हो गई है, दो मजदूर अभी भी मलबे में फंसे हुए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अश्विनी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्या दोनों मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है? जी बताना चाहेंगे कि चंदौली जनपद के बलुआ थाना क्षेत्र के प्रभुपुर गांव में आज बड़ी घटना हुई है। संदीप यादव द्वारा अपनी नींव की नींव निकलवाई जा रही थी, उसी दौरान पड़ोसी चंद्रभान यादव की लेंटर दी हुई बीम दी हुई दीवार गिर गई, जिसमें तीन मजदूर ही दबे हैं। अभी तक उस समय तो चार मजदूर थे लेकिन एक मजदूर किसी तरह भाग के बच गया, तीन मजदूर दबे थे, तीनों की बॉडी निकाल ली गई है। घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल, सकलडीहा एसडीएम मनोज पाठक, सकलडीहा के सीओ राजेश कुमार राय सहित भारी मात्रा में प्रशासनिक अमला वहां पहुंचा हुआ है। अभी भी लेंटर की दीवार को तोड़कर प्रयास किया जा रहा है कि कोई भूल चूक से दबा तो नहीं है, लेकिन उसको भी अभी भी दीवार को तोड़ने का कार्य प्रारंभ है। लेकिन तीन मजदूर ही उसमें थे, तीन मजदूरों के दबने की पुष्टि हुई है, तीनों की बॉडी निकाल ली गई है और तीनों मजदूर पड़ोसी गांव के अमिलाई गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। तीनों की पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई। जो तीसरा मजदूर है जिसे बाद में निकाला गया, क्या उसकी जान बच पाई है? जी नहीं, तीनों मजदूर दफन हो चुके हैं, उसमें तीनों को मृत अवस्था में बाहर निकाला गया है, कोई भी जिंदा नहीं बच पाया है। ठीक है अश्विनी, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो चंदौली का एक पूरा मामला है जहां पर दीवार की नींव खोदते समय बड़ा हादसा हो गया। चार मजदूर बताए जा रहे हैं कि यहां पर काम कर रहे थे, जिनमें से तीन दब गए हैं, तीनों की मौत बताई जा रही है। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी आलाकमान ने जालौन के पूर्व सांसद बिजलाल खावरी को यूपी का नया पार्टी अध्यक्ष बनाया। वहीं पार्टी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी, अजय राय, वीरेन चौधरी, नकल दुबे, अनिल यादव, योगेश दीक्षित को प्रांतीय अध्यक्ष बनाया है। पार्टी ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया और बिजलाल साबरी सहित अन्य नेताओं को नई जिम्मेदारी के लिए बधाई दी। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के सभी गरीब और निम्न तबके वाले परिवारों की हालत पर बेहद चिंतित हैं। बसपा मुखिया ने शनिवार को दो ट्वीट से देश के उद्योगपतियों की निजी पूंजी में अभूतपूर्व वृद्धि होने के साथ महंगाई तथा गरीबी बढ़ने पर गहरी चिंता जताई है और केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। पीलीभीत में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम दारोगा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दारोगा ने राम राम कहने पर जबरदस्ती चालान काट दिया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर पवित्र मोहन त्रिपाठी से इस मामले की शिकायत की है। साथ ही उन्होंने कहा कि 24 घंटे में कार्रवाई नहीं होती तो शिवसेना परिवार दारोगा के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएगा। दरअसल कल मामला शाम का है, गजरौला थाने का, ये लड़का मिलने वाला है विमल गुप्ता, उसके दरवाजे पे बाइक खड़ी थी और वहाँ से दरोगा जी गुजर रहे थे, उनकी नज़र जो है बाइक पे पड़ी तो बाइक पे वो चालान काटने लगे। विमल गुप्ता ने मेरी बात कराई दरोगा जी से, तो दरोगा जी से मैंने राम राम बोल दिया। जब मैंने राम राम बोल दिया इतने पे ही उनका पारा चढ़ गया और पारा चढ़ते ही उन्होंने फ़ोन काट दिया उसको। विमल को बहुत सारी गालियाँ दी भद्दी भद्दी, उसके साथ उन्होंने मेरे को भी कुछ बोला कि वो मंत्री है कौन है। साजापुर में जलालाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस और कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने किसानों की शिकायत पर खाद की दुकानों पर छापेमारी की, जहां नकली खाद बनाते और बिक्री करते दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि एक आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने फरार चल रहे आरोपी को भी गिरफ्तार किया है।
थाना जलालाबाद की पुलिस एवं जिला कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम के द्वारा छापा मारकर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 184 बोरे नकली उर्वरक बरामद हुआ था। इसमें एक अभियुक्त अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, उसे पूछताछ की गई और उसकी निशानदेही पर नकली उर्वरक बनाने की एक फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। इस फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली उर्वरक बनाने का सामान और केमिकल बरामद हुए हैं। इन अभियुक्तों द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर अवैध धन लाभ हेतु एक ये नकली उर्वरक की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। इन सभी के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी। अटावा के रामपुर कुद्रेल गांव में प्राथमिक विद्यालय में छात्रा से झाड़ू लगवाई गई है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल झाड़ू लगाते हुए छात्रा का वीडियो वायरल हुआ है। इससे पहले भी इस तरह के वीडियोस वायरल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से स्कूल में मौजूद टीचर छात्रा से सफाई करवा रही थी, ऐसा कहा जा रहा है। ललितपुर के रजावन में युवक ने खुदकुशी कर ली। युवक के परिजनों ने गांव के कुछ व्यक्ति पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और संभल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां स्कूल से पढ़कर रिक्शे से लौट रही लड़कियों से दूसरे समुदाय के युवकों पर छेड़खानी का आरोप लगाया, जिसका गांव के ही कुछ युवक ने विरोध किया तो अपराधियों ने उसकी पिटाई कर दी। यही नहीं, शहदों की मदद में कई दूसरे युवक भी मीट फैक्ट्री से छुरियां लेकर आ गए। मामले की सूचना पर पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सीओ ने केस दर्ज कर कार्रवाई की बात की है। चिमियाली गांव में मारपिटाई का मामला था, तुरंत मौके पर पुलिस पहुंची। मौके पर पहुंचने पर जांच करने के उपरांत नीटू के नाम के वादी द्वारा मुकदमा कायम कराया जा रहा है, जिसमें तीन अभियुक्त बताए गए हैं, जिसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं, एक अभी शेष है, जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मौके पे पुलिस है और शांति व्यवस्था बने हुए हैं। ये था सर, स्कूल से बच्चियां आ रही थी रक्से में, ठीक है, ये लड़के यहाँ खड़े थे, भद्दी भद्दी बातियाँ कर रहे थे। उस लड़के ने विरोध करा, चार पांच लड़के फैक्ट्री से और निकले और उस पर पीटना चालू कर दिया कि तू कोई कहीं का मंत्री है या गांव का मुखिया है, तुझे क्या मतलब, हम तो आए दिन ऐसे ही करते रहते हैं और जो तुमसे बचे बने वो बना दे। चार पांच लड़के और छुरी लेकर निकले। फिर संभल में वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस से अभद्रता करने पर बीजेपी नेता और पूर्व चेयरमैन सहित दो नामजद और 30 से 40 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। पूरा मामला बहजोई कोतवाली क्षेत्र के प्याजा चौराहे के पास का है, जहां ट्रैफिक पुलिस का सिपाही और दो होमगार्ड वाहन चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच चेकिंग के दौरान सिपाही ने एक बाइक सवार को रोक लिया, जिस पर युवक ने सिपाही दिग्विजय सिंह के साथ अभद्रता शुरू कर दी। युवक ने फोन किया, जिस पर नगर पालिका बहजोई के पूर्व चेयरमैन और भाजपा नेता राजेश शंकर राजू सहित 30 से 40 लोग मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि भाजपा नेता और उनके साथियों ने सिपाही के साथ अभद्रता की। इस दौरान सिपाही ने अपना वीडियो कैमरे से अभद्रता कर रहे दिखाया है और उसके बाद आरोप भी लगाया है। चौराहे पर खड़े होकर चेकिंग कर रहे थे। आजकल जो मॉडर्न व्यवस्था है उसके हिसाब से उनके साथ वो सीसीटीवी कैमरे में और साथ में उनके साथ में बॉडी वॉर्न कैमरा दिया होता है, उसमें उस घटना की पूरी रिकॉर्डिंग की गई है। इसमें जैसा कि बताया गया कि ट्रैफिक कांस्टेबल के द्वारा एक व्यक्ति का चालान किया गया, वो व्यक्ति उस समय वहां से चला गया। उसके बाद में करीब 25-30 लोगों के साथ में वापस आया, जो ट्रैफिक कांस्टेबल वहां पर अपनी ड्यूटी रत था उसके साथ अभद्रता की, उसका सामान वगैरह उठाकर फेंक दिया, मारपीट की। एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में नगर महामंत्री और युवा मोर्चा कार्यकर्ता बाइक से पेट्रोल पड़वाकर अपने मंडी में जा रहे थे। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस वाले ने चेकिंग के दौरान अभद्रता की थी, कुछ पैसे पैसे के कोई विषय सामने आया था तो उन्होंने तत्काल थाना अध्यक्ष भैजू को फ़ोन किया कि साहब ऐसा ऐसा मेरे साथ अभद्रता हो रही है। उन्होंने फिर उसके बाद मुझे भी फ़ोन करा, मैं भी तत्काल मौके पर पहुँच गया था। हाथरस में ग्राम प्रधान के भाई ने अपनी भैंस को पेड़ के नीचे बांधा, जिसके बाद अचानक जमीन बैठ गई और भैंस समा गई। ये देख भैंस मालिक ने शोर मचाया। शोर सुनकर ग्रामीण इकट्ठा होकर भैंस को जमीन से निकालने की कोशिश करते रहे, लेकिन भैंस का कोई पता नहीं चला।
पंचायत चुनाव के बाद बसपा प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव की गिनती के दौरान भारी धांधली का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के आदेश पर कई सीटों पर जीतने के बावजूद बसपा समर्थित प्रत्याशियों को जानबूझकर हराने का काम किया गया है। साथ ही जीते हुए बसपा प्रत्याशी हैं उन्हें भी डरा धमकाकर भाजपा में शामिल करने की बात कही जा रही है। वहीं किशनपुर जमालपुर जिला पंचायत सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी के पति ने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी 400 से अधिक वोटों से जीत रही थी, पर प्रशासन ने उन्हें रिकाउंटिंग के नाम पर बेईमानी कर जबरदस्ती हराने का काम किया। उधम सिंह नगर के जसपुर खुर्द की रहने वाली महिला ने जसपुर कोतवाली में तैनात कोतवाल अशोक कुमार पर एक FIR में धाराओं की बढ़ोतरी न करने को लेकर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसकी शिकायत DGP अशोक कुमार से भी की गई, जिसके बाद कोतवाल अशोक कुमार को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन 24 घंटे के भीतर शिकायतकर्ता महिला अपनी शिकायत और अपने बयानों से बदल गई और अपना एक बयान जारी कर माफी मांगी। उसके बाद महिला का माफी नामे से मन नहीं भरा तो महिला का सुसाइड नोट उसकी ओर से दर्ज कराए गए। केस में धाराएं न बढ़ाने के चलते उसने कोतवाल अशोक कुमार पर जो आरोप लगाए थे, अब वो उन आरोपों पर कोई कार्रवाई नहीं चाहती। अब ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि पूरे मामले की जांच से पहले ही महिला ने अपने आवास पर सुसाइड की कोशिश की। सुबह 9:15 बजे करीब इस युवती को बेहोशी की हालत में हमारे पास लाया गया था इमरजेंसी विभाग में। तो मैंने उसको सबसे पहले फर्स्ट एड दिया था और इसका BP मशीन में नहीं नापा जा सकता था, इतना डाउन था। हालत बहुत ही गंभीर थी, बचने की लगभग नहीं के बराबर उम्मीद थी। तो जो उसके लक्षण थे ऐसे थे जैसे इसने कोई विषाक्त का सेवन किया हो, उसके आधार पर इसको हम लोगों ने इलाज किया। उसको उपचार के बाद इसकी हालत अब पहले से ठीक है, खतरे में है लेकिन काफ़ी नियंत्रण में, हो सकता है कि अभी बच जाए। और इसके साथ ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ऐसा टेंशन शायद रही हो, क्योंकि ये जब बेहोशी से उठी तो इसने कुछ बड़बड़ा रही थी। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में अब रेगुलर पुलिस को लेकर लोग लामबंद हो गए हैं। अभी इन क्षेत्रों में राजस्व पुलिस का काफी अहम रोल है, लेकिन रेगुलर पुलिस की तरफ प्रशिक्षित न होने की वजह से पर्वतीय क्षेत्र में होने वाले क्राइम को कंट्रोल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हाल ही में हुए अंकिता भंडारी के हत्या मामले में राजस्व पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी, लेकिन राजस्व पुलिस के सुस्त रवैये के कारण मामले में देरी हुई, जिससे लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर बना रहा। इसी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने सरकार को पत्र लिखकर राजस्व पुलिस से अधिकार हटाकर रेगुलर पुलिस को दिए जाने की बात कही है। वहीं इस मामले के बाद अब BJP विधायक दिलीप रावत ने भी सरकार से यही मांग करते हुए कहा कि हम इस मामले में पहले भी विधानसभा में सवाल उठा चुके हैं, राजस्व कर्मी भी यही कहते हैं कि हमारा अधिकार रेगुलर पुलिस को सौंप दिया जाए। देखिए, मैंने भी जब कांग्रेस की सरकार थी मैंने विधानसभा में प्रश्न किया था, तब भी सरकार ने कहा था कि समीक्षा करेंगे, और आज भी दोबारा भी किसी ने PL की है कोर्ट में, तो उसमें भी यह आया था कि सरकार के लिए किसी समीक्षा करने के लिए निर्देशित किया था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। और इसी का दुष्प्रमाण है कि अंकिता जैसा कांड जो है जिसकी गंभीरता को न समझा गया, और आज ये उसके दुष्प्रमाण हमको भुगतने पड़ रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि आज भी मेरा ये पूरा मानना है कि राजस्व पुलिस को पूरी तरह हटा देना चाहिए और रेगुलर पुलिस को पूरी तरह कानून व्यवस्था की व्यवस्था संभालने के लिए निर्देशित करना चाहिए। एक अहम और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।